हेलो दोस्तों, आप सभी को जोहार। और आप देख रहे हो माय होम गार्डन धरती बागवान रे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त हैं और अपने अपने बागवानी में मस्त हैं। तो दोस्तों, मैं बहुत दिनों बाद फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, क्योंकि कुछ दिनों तक मैंने नए वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं कुछ अपने दूसरे कामों में व्यस्त हो गया था। और आज के इस वीडियो पर मैं आपके साथ में साझा करने जा रहा हूँ मेरे लोटस मैंने अपने गार्डन पर ग्रो किया था आज से लगभग 2-2.5 महीने पहले। ये एक लोटस का ट्यूबर फर्स्ट टाइम मैंने अपने गार्डन में ग्रो करने की कोशिश किया था। और ये ट्यूबर मैंने परचेज नहीं किया था, मुझे किसी और से मिला था। बहुत सारे वैरायटी मिले थे और उनमें से ये एक है जिसे मैंने ग्रो किया था। और देखिए, लगभग लगाने के 2-2.5 महीने बाद ही इसमें देखिए फूल आ गए, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था। और बहुत सारे ट्यूबर जो ख़राब भी हो गए। और ये है, ये इस वैरायटी को कहा जाता है, ये वाइट फर्नर है। और देखिए कितने सुंदर इसमें फूल खिलने लगे हैं और ये काफ़ी ताज़े और हरी हरी पत्तियां इसमें देखिए पूरा भर चुके हैं और ढेर सारी कलियां इसमें जो है आए हुए हैं। और ये काफ़ी इजी प्रोसेस लगा मुझे ये वाला, क्योंकि इस पर मुझे इतना नॉलेज नहीं था और सिर्फ मैंने इसमें मिट्टी खाद भी डालकर इसे मैंने ग्रो किया था। और ये काफ़ी सुंदर से देखिए ब्लूमिंग शुरू हो गई कुछ ही महीनों में, 2-2.5 महीना में के अंदर। और ये ढेर सारे मेरे गार्डन में फूल खिलने लगे हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में, सीजन में, मैं लोटस के और ढेर सारे वैरायटी अपने गार्डन में उगा सकूं। और इसके लिए मैं कुछ जानकारियाँ मुझे लेनी होगी और इसके लिए कुछ जो जानकार मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स हैं उनसे मुझे गाइडलाइन लेना पड़ेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि ये अच्छी तरह से दूसरे वैरायटी को भी मैं ग्रो कर पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे वैरायटियाँ हमने यहाँ पर ग्रो करने की कोशिश किया था बट बहुत सारे ख़राब हो गए क्योंकि फर्स्ट टाइम था, तो सही जानकारी ना होने के कारण बहुत सारे ट्यूबर जो है ख़राब हो गए। तो हमारे सारे व्यूअर्स दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो आप सबों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, नए दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से रहिए। दोबारा से मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।